वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि बहुत ही विज्ञान रसायन विज्ञान काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आपके कमेंट आ रहे सर बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाइए जीव विज्ञान के, ठीक है। और बायोलॉजी सबकी फेवरेट होती है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखो, पहले तो आंसर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन इसको पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और आंसर आपको चूज करना है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार शब्द प्रोटोप्लाज्मा किसने दिया? टर्म प्रोटोप्लाज्मा वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, किसने दिया था? पार्टर ने, प्रोकेंज ने, सिंगर ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिला होगा इंट्रोडक्शन में कि किसने दिया था, कब दिया था, किस प्रकार से दिया था, ठीक है। सो बताइए अब आप कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपके ख्याल से। और अब तो आना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको आने चाहिए। ये मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ताकि आप खुद का एनालिसिस कर सको घर बैठे। प्रथम बार शब्द प्रोटोप्लाज्मा किसने दिया, चूज कर लिया होगा, अपना अपना ऑप्शन चूज कर लो। कर लिया, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरकेंज ने, करेक्ट ऑप्शन पुरकेंज ने, ठीक है। किसने दिया था? पुरकेंज ने। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में किस्म तो आजमाओ, मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या। अगर आपने प्रोटीन एमिनो अम्ल पढ़ा होगा तो इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर ऑफ असेंशियल एसिड एमिनो एसिड इन ह्यूमन, एमिनो अम्ल की संख्या आपको बतानी है आवश्यक। एक होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक। तो यहाँ पर आपसे असेंशियल पूछा गया है और ऑप्शन में भी आपके लिए दे रखा है, इन्हीं में से कोई है तो वो आपको बताना है। 18, 10, 8, 20 बताओ। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10 होते हैं आवश्यक। अगला क्वेश्चन, सिलेजिला मास में बिन है क्योंकि उसमें होता है। आपका जो सिलेजिला होता है मॉस से बिन है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है? सिलेजिला डिफरेंट फ्रॉम मॉसेज इन हैविंग आर्किगोनिया, पूर्ण विकसित सवनी तंत्र, तैरने वाले एंजियोजोइड, स्वतंत्र गैमेटोफाइट। किस प्रकार भी नहीं गाइज, 11th में पढ़ा होगा ना आपने, 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। बहुत सारों तो मजे में निकाल दी 11th, बट अब याद आ रहा होगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन 11th और 12th से बनते हैं। 12th के ज़्यादा आते हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 11th के कुछ आते हैं, 15% मान सकते हो टोटल का, बाकी सब 12th के बनते हैं, बट कभी कभार 11th से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके प्रिपरेशन दोनों क्यों नहीं चाहिए, देखो आपके फ्यूचर का मामला, कैरियर का मामला है। सो चूज कर लिया होगा आपने, जो भी आपने पढ़ा होगा 11th 12th में उसके अकॉर्डिंग चूज कर ही लिया होगा, और सब एग्ज़ाम दे के आए अभी तो बोर्ड का, तो सबको आना चाहिए क्वेश्चन। तो सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि किस प्रकार से बिन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम होता है, इस प्रकार से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीटनाशक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको बताना है। टोपोरडी, BSC या फिर बोथ द अबाव या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कीटनाशक आपको बताना है, जो खेती वगैरह करते हैं उनको तो पता होगा क्योंकि वो स्प्रे करते हैं दवाइयों का फसलों में, तो उनको तो पता होगा, पैकेट भी लिखा रहता है साल्ट। कर लो चूज। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। ये दोनों यानी कि 24DBA और BSCBA, ये क्या है? कीटनाशक है। चलते साइनोफेज एक विषाणु है जो आक्रमण करता है। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक। नील हरित शैवाल पर
जीवाणु पर, सभी पौधों पर कोई नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया ऑल प्लांट नॉन ऑफ अबाउ। साइनोपोज एक विषाणु जो आक्रमण करता है। चूज कर लो अपना ऑप्शन, देखो कोई भी ऑप्शन चूज करो ताकि आपके अंदर की गलत फैमिली बाहर निकल के आए और आप एक बेटर इंसान बनते चलो, ठीक है? क्योंकि गलतियां करोगे तो तभी आप सीखोगे ना, तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि गलती सही, बट ऑप्शन चूज करो। ऐसा इसको देख कर ट्रोम तो कि नहीं आ रहा हम तो कुछ भी चूज ना करें, ये आपकी बहुत बड़ी गलती। कुछ भी चूज करो बट करो, क्या पता सही हो। सो कर लिया होगा आपने चूज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नील हरित सेवाल पर, ठीक है? साइनोपेज एक विषाणु है जो आक्रमण करता है नील हरित सेवाल पर। चलते बढ़ते आगे को, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इन लॉकेटेड इन, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है स्ट्रोमा ग्रेना पायरिनोइड लाइसोसोम। कहाँ पाया जाता है भाई, पढ़ा होगा ना आपने, प्लांट आपका चैप्टर है गाइज बायोलॉजी में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेना में, ठीक है? ग्रेना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक और अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार का वाहक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, चांस है कि रिपीट हो सकता है। वेक्टर फॉर डेंगू फेवर, डेंगू बुखार का वाहक है घरेलू मक्खी, सेंड मक्खी, भेड़ मक्खी या प्रमच्छर। जैसे कि इस बुखार को एक इंसान से दूसरे में लेके कौन जाता है, ये होता है वाहक, ठीक है? अगर मान लो कि मलेरिया का पूछ लिया जाए तो सबको आ जाएगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर, बट यहाँ पर डेंगू का पूछा गया है तो आपको सिंपल सी बात है सबको आना चाहिए क्वेश्चन। तो कर लिया होगा चूज आपने। और डेंगू बहुत किससे होता है गाइस, वायरस से होता है, याद रखना वायरस से, डेंगू वायरस से होता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, तभी तो इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं पेशेंट के, प्लेटलेट्स आप सब जानते हो डाउन चले जाएंगे तो फिर रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड का लॉस होगा, जिसे कई जैसे नेजल से कहीं से भी लॉस होने लगता है और अंदर ही अंदर जो आपने देखा होगा कैपिलरी से बाहर आने लगता है अंदर शरीर के अंदर से, ठीक है? तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है डेंगू, तो बच के रहना गाइस। इसका वाक्य चूज कर लिया होगा मच्छर है गाइस, कौन सा मच्छर है, एडीज मच्छर, ठीक है याद रखना कौन सा एडीज। और येलो फीवर भी इससे होता है, ठीक है येलो फीवर। और दूसरा नाम क्या है गाइस डेंगू बुखार का, ब्रेक बोन, ठीक है हड्डी तोड़। चलते आगे और नॉलेज रखा करो ऐसे बीमारियों के बारे में, ताकि क्योंकि आपको आगे जाके मेडिकल फील्ड में जाना है ना। ल्यूकोप्लास्ट के अलावा स्टार्च के दाने विकसित होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अलावा स्टार्च के दाने विकसित होते हैं राइबोसोम में, लाइसोसोम में, क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है क्रोमो और क्लोरो। ल्यूकोप्लास्ट के अलावा स्टार्च के दाने विकसित होते हैं किसमें होते हैं गाइज, बहुत प्यारे स्टूडेंट हो आप, ऐसे बता सकते हो इसका आंसर अगर पढ़ा होगा तो। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लेना चैप्टर खोल के कि हाँ अपने में यहाँ कमी है, इस चैप्टर को थोड़ा सा कवर करना है, तब भी आप बेस्ट हो। अगर आपको नहीं आता है उसके बावजूद आप सीखने की कोशिश नहीं करते हो तब जाके आप गलत हो, बट आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ज़रूर अपना चैप्टर ओपन करके देखोगे उसको। ल्यूकोप्लास्ट के अलावा स्टार्च के दाने विकसित होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म है यूरोमेटिक्स लेटिमार्शिया आर्क्योटिस उपयोग से भी, जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल। सो गाइस जीवित जीवाश्म तो आपका है लेटिमारिया, ठीक है ऑप्शन टू। थोड़ा सा जूम कर लेते गाइस, नाखून खुर एवं सिंह उदाहरण है, नेल हॉब्स एंड हॉर्न आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सिंह जूता के कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज के या फिर बोन के या फिर केराटिन व्युत्पन्न के। नाखून खुर और सिंह किसके उदाहरण है,
कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट, लेट मी चेक किसका राइट ऑप्शन है, केराटिन व्युत्पन्न के, ठीक है केराटिन व्युत्पन्न के। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले विशाल कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाले विशाल कोशिकांग है, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल आर टीआरएनए, प्लास्टिड, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में पाए जाने वाले विशाल कोशिकांग है, कोशिका तो आपने पढ़ा हुआ है बचपन से पढ़ते आ रहे हो कोशिका, क्योंकि स्टार्टिंग भी कोशिका से ही है, क्योंकि जो भी जीवित प्राणी है संरचनात्मक इकाई कोशिका। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लास्टिड, ठीक है क्या हो जाएगा प्लास्टिड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोशिका में पाए जाने वाला विशाल कोशिकांग है। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है आपका कि निषेचित मादा मधुमक्खी कहलाती है, द फर्टाइल फेमेल हनी बी इन कॉल्ड ड्रॉ मधु रानी राजा। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रानी, ठीक है क्यून, ये हो गया ठीक है क्यून कहलाते हैं, निषेचित मादा मधुमक्खी कहलाते हैं क्यून कहलाती है। क्वेश्चन बन चुका होगा गाइस काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता के समय मेंढक श्वसन करता है, ड्रिंग हाइब्रेशन फ्रॉग रेस्पिरेशन बाय, बाहरी गिल्स द्वारा, नम त्वचा द्वारा, फेफड़े एवं प्रोक्रोपेजीदारियों द्वारा, बाहरी गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नम त्वचा द्वारा, नम त्वचा द्वारा करता है श्वसन, ठीक है यानी कि स्किन के थ्रू करता है वो, याद रखना इस बात को बहुत अच्छी बात है। मनुष्य के दाएं हाथ में कुल हड्डियां संख्या आपको बतानी है, और हमने आपसे बोला था कि इंसान में जितनी भी हड्डियां होती है, जितनी भी हड्डियों को मतलब ये नहीं कि 200 याद कर लो आप, पूरी मतलब हाथ में कितनी, पैर में कितनी, खोपड़ी में कितनी, चेस्ट में कितनी, चेहरे पे कितनी, इस प्रकार से याद रखनी है। एक तो आप ऐसे याद रख लो कि 200 हड्डियां होती है तो हमें पता है, किसी को पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी को पता है ठीक है। कौन से अंग में कितनी होती है, टार्सल में कितनी होती है, मेटा टार्सल में कितनी होती है, कार्पल में कितनी होती है, मेटा कार्पल में कितनी होती है, कान में कितनी होती है, चेहरे पे कितनी होती है, ये आपको याद रखना है, और हमने आपको पढ़ा दिया था। और वैसे अगर आप डिमांड करते हो कि एक वीडियो हो जाए इस बात पर स्केलेटल सिस्टम पे, तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात, हमने काम मना किया, हम तो मना ही नहीं करते, बट आप कमेंट करोगे तभी तो बनाएंगे ना, ठीक है। टॉपिक तो आप दो कि स्केलेटल सिस्टम पे बनाओ वीडियो, तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है। तो मनुष्य के देखो दाएं हाथ में कुल हड्डी की संख्या आपको बतानी है, तो ऑप्शन यहाँ 30, 28, 32, 34 टोटल नंबर ऑफ बोन इन राइट आर्म ऑफ ह्यूमन। अब आप वो गिनोगे ह्यूमरस, रेडियो, वल्ना, कार्सल, मेटाटार्सल, जितनी भी आपने पढ़ रखी होगी गिन लो सबको। सो सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 होती है गाइस, दाया हो या बाया सेम होती है ठीक है। चलता है गीगोर, और जितनी भी हर एक ऑर्गन में जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आपके रिब्स हो गई ठीक है, खोपड़ी हो गई, चेहरा हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, इनमें कितनी हड्डियां होती है आपको याद रखना है अलग अलग ऐसे ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों में सनई निकाला जाता है, अगर आपको सनई समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इधर इंग्लिश दिया हुआ है और आपके एग्जाम में भी इंग्लिश दी हुई होगी। सन हैम बिलोंग टू द प्लांट फैमिली, ल्यूमिनेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी। राइट ऑप्शन है गाइज, चूज करो पहले आप, कर लिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ल्यूमिनोसी, ल्यूमिनोसी ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह जिसमें एग्लुटिनोजिन नहीं पाया जाता, एग्लुटिनोजिन नॉट फाउंड इन ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जिसमें एग्लुटिनोजन नहीं पाया जाता, नहीं होता है ठीक है, एग्लुटिनोजन नॉट फाउंड इन ब्लड, कौन सा ब्लड ग्रुप है गाय जो है। सो गाय जो है आपका ओ पॉजिटिव, याद रखना ओ पॉजिटिव, जिसमें एग्लुटिनोजन नहीं पाया जाता।
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस, फेवरेट है बायोलॉजी, ठीक है। अनामिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, द टर्म एनोमिनेट इज यूज फॉर, एक हड्डी एक सिरा के लिए, एक सिरा एवं एक तंत्रिका के लिए, एक हड्डी एवं एक तंत्रिका के लिए, एक हड्डी एवं एक धमनी के लिए। अनामिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन है एक हड्डी एवं एक धमनी के लिए। बढ़ते आगे और अगला क्वेश्चन है, सिलोम शरीर गुहाएं, सिलोम इज बॉडी कैविटी ऑफ, टीनिया की, हाइड्रा की, प्रेटिमा की या फिर अविलिया की। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेटिमा की, ठीक है, किसकी, प्रेटिमा की। चलते आगे और क्यूनेन किसकी छाल से प्राप्त होता है, क्यूनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक ऑफ, किससे प्राप्त होता है क्यूनेन, द तूरा, स्टोमोनियम, एट्रोपा, विलाडोना, सिनकोना, पेपावर, सोमनीफेरम। इसका यूज तो सबको पता है क्यूनेन का, ठीक है, किसकी छाल से प्राप्त होता है। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कर लिया होगा आपने, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन सिनकोना, ठीक है, सिनकोना से, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है क्यूनेन, एंटी मलेरियल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम सिल्क है, विच ऑफ द बेस्ट सिल्क, एरी सिल्क, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, इनमें से कोई नहीं। अच्छी क्वालिटी वाला बताना है आपको बेस्ट सिल्क। सो गाइज वो है आपका मलबरी सिल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा अच्छा प्रकाश संश्लेषण है, विच प्लांट इज ए बेटर फोटोसिंथेसिस। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो गाइज, कौन सा पौधा अच्छा प्रकाश संश्लेषक है, मक्का, कपास, गेहूं, गन्ना, अब बताओ आप। अब इसमें से बहुत सारे तो मक्का चूज करेंगे, काफ़ी सारे कपास करेंगे, काफ़ी सारे गेहूं, काफ़ी सारे गन्ना, बट राइट ऑप्शन वही करेंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। अच्छा प्रकाश संश्लेषण कर लिया होगा आपने, चेक, गन्ना, सुग्रकेन, सुग्रकेन बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये होता है अच्छा प्रकाश संश्लेषक। तो अब याद भी रख सकते हो आप, देखो इसकी गन्ने की पत्तियाँ कितनी लंबी होती है, आपने देखी होगी बहुत सारी लंबी होती है ऐसे ऐसे, और काफ़ी सारे होते हैं, तो अच्छा प्रकाश संश्लेषक, क्योंकि अगर क्षेत्रफल भी ज़्यादा है तो अच्छा ही प्राप्त होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। और एक बात और याद रखना प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, ये कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकती है, जैसे कि आपके विद्युत बल्ब होते हैं इनमें भी हो सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि सूर्य का ही हो, किसी का भी प्रकाश चलेगा, ये भी आप याद रख लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना। चलते आगे एक और गाइज, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा रंग बेटर होता है प्रकाश संश्लेषण, कौन से कलर का लाइट, कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पता है तो। चलते आगे एक और, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक कपास होता है, द कॉटन ऑफ कमर्शियल, थैलेमस की, रोमे बाहरी वर्दी, बीज आवरण की, रोमे बाहरी वर्दी, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यावसायिक कपास होता है, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का बीज आवरण की, रोमे बाहरी वर्दी, ठीक है, बीज आवरण की, रोमे बाहरी वर्दी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में H2O2 का संश्लेषण एवं विघटन संपन्न होता है, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन ऑफ H2O2 इज प्लांट सेल टेक प्लेस इन, रिचका में, प्रोक्सीसोम में, स्पोरोसोम में, राइबोसोम में। पादप कोशिका में H2O2 का संश्लेषण एवं विघटन संपन्न होता है, सो गाइस राइट ऑप्शन है प्रोक्सीसोम में, किसमें, प्रोक्सीसोम में। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है, विच ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, धुआं, डिटर्जेंट, अमोनिया, औद्योगिक प्रवाह, राइट ऑप्शन औद्योगिक प्रवाह, काफ़ी सारे उद्योग
नदियों के किनारे बसे हुए जो अपना जो भी वेस्ट निकलता है नदियों में मिला देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर उद्योग आपको पता है कि नदियों के किनारे ही बसे हुए होते हैं, ठीक है। और इनसे जो वेस्ट निकलता है इनको नदियों में डाला जाता है, इसी कारण जल प्रदूषण बढ़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि ये भी क्वेश्चन कम लगे, तो जीके एमसीक्यू एमके चैनल है, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ब्राउन शुगर शब्द का उपयोग होता है, द टर्म ब्राउन शुगर इज यूज फॉर कॉकिन के लिए, हसिस के लिए, द स्टाइलफॉर्मिन हाइड्रोक्लेसिस के लिए, या फिर मेरिजुआना के लिए। ब्राउन शुगर शब्द का प्रयोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। और कितने आपके सही गए ये आप कमेंट करके बता सकते हो। सो इसका राइट ऑप्शन है डाइस्टल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के लिए, ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।